हार्मोनल इम्बैलेंस जो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। सडनली वेट गेन हो जाना, वेट लॉस नहीं कर पाना, हेयर फॉल, एक्ने हो जाना, पीरियड रिलेटेड इश्यूज, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी इश्यूज, थायराइड, पीसीओडी, डायबिटीज वगैरह वगैरह, ये सब इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस जो आजकल फेस करना पड़ रहा है, कॉमनली इनका रूट कॉज है एंड दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। हॉर्मोन्स जो हमारे बॉडी में डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं टू रीच टू द डिफरेंट ऑर्गन्स टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस। हॉर्मोन्स डिसाइड करते हैं कि आपकी बॉडी में किस पैटर्न से ग्रो करेगी, आपका खाना मेटाबोलाइज करेगी। हॉर्मोन्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके तो होते ही हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट तरीका टू इम्प्रूव योर डाइट। तो अब हम जानेंगे इस वीडियो में कुछ फूड्स टू हेल्प बैलेंसिंग हॉर्मोन्स। वेलकम टू माय चैनल संजना फैक्ट्स क्रिएशंस। तो पहले ऐड फाइबर रिच फ्रूट्स इन योर डाइट। फाइबर एक प्रीबायोटिक है, ये आपके गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया के लिए हेल्थी होते हैं जो आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं इवेंचुअली एंड इट लीड्स टू द हार्मोनल बैलेंस। जब आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपके हार्मोन लेवल्स भी ठीक हो जाएंगे और फाइबर फूड्स बॉडी में मौजूद एक्सेस हार्मोन्स को भी क्लियर करने में बहुत हेल्प करते हैं। अब हमारा दूसरा फूड है रिप्लेस अनहेल्थी फैट विथ हेल्थी फैट। आपके हार्मोनल सिस्टम फैट की प्रेजेंस में ही काम करेंगे। अगर फैट नहीं होगा तो हार्मोन्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। फैट बेसिकली हमारे बॉडी का इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करने में बहुत हेल्प आउट करते हैं, बट देर इज अ रेशियो इन विच फैट मस्ट बी प्रेजेंस इन योर बॉडी। ओमेगा 3 फैट्स रहना चाहिए, इसलिए हमें चाहिए अपनी डाइट को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करें कि हमारे बॉडी को ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा मिले। और ऐसे करने के लिए आप अपनी डाइट में ड्राई नट्स को भी ऐड करना चाहिए, जैसे कि बादाम, अखरोट वगैरह, फिश नट्स को भी ओमेगा 3 मिलता है। नेक्स्ट क्रूसीफ्यूरस वेजिटेबल्स जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, रेडिश वगैरह। क्रूसीफ्यूरस वेजिटेबल्स में इंडोल 3 कार्बिनोल बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है जो कि हमारे लीवर फंक्शन को इम्प्रूव करता है और इवेंचुअली यही हमारा लीवर बॉडी में मौजूद वेस्ट प्रोडक्ट्स और यूज्ड हॉर्मोन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। अगर आपको थायराइड है तो ये वेजेस को लेना मना है, सो आइडियली आपके डॉक्टर की सलाह से इन्हें ले। अगर आप फिर भी इन्हें खाना चाहते हैं तो इन्हें अच्छे कुक करके खाएं, ना ही कच्चे फॉर्म में। नेक्स्ट वी शुड ऐड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सीजनल जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि खीरा, गाजर, टमाटर, जामुन वगैरह वगैरह, जिसमें आपको न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। बॉडी को ठीक से चलाने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है। अगर न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को नहीं मिलता तो वो बराबर से काम नहीं कर पाता। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिंस एंड मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद होते हैं, इसलिए वी शुड ऐड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन आवर डाइट। लास्ट फूड्स हैं ऐड मैग्नीशियम रिच फूड्स इन योर डाइट। ज़्यादा लोग मैग्नीशियम में डिफिशियंट होते हैं, इसलिए इनको स्लीप इश्यूज से लेकर काफ़ी सारे इश्यूज रहते हैं। अगर हार्मोन्स की बात आती है तो याद रखिए ये ब्लड शुगर डाउन करने में या नॉर्मल पर लाने में हेल्प आउट करते हैं, जो आपकी हार्मोनल बैलेंस की जो कंडीशन है इसको रिजॉल्व करने में या इसकी रिकवरी करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। मैग्नीशियम में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं जिससे हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और इससे हमें नींद भी अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।